मैं रोज मैजेस्टिक से आराम नगर जाती हूँ, सिर्फ 150 रुपए होते हैं। तुझे 500 रुपए चाहिए? अगर मैं तेरी कंप्लेन कर दूँ ना तो तेरा ये ऑटो भी सीज हो जाएगा और तेरा लाइसेंस भी। दोबारा मुझे नजर मत आना। सिर्फ 3 दिन पहले तक हमारा हीरो सुपरमैन था, आखिर 3 दिन में ऐसा क्या हुआ जो इतना दुखी हो गया? टॉवल देना। आज फिर से बिक के आ गया, दिमाग खराब है क्या तेरा? बीमार हो जाएगा तो क्या करेगा? हाँ, मैंने क्या सपना देखा था कि बारिश आएगी? लाओ छोड़ो। ठीक है ना ले। ए शीला, हाँ? बारिश रुक गई है, कपड़े सुखा ले, वो काम बाद में कर लेना। ऑमलेट खाएगा बेटा? नहीं माँ, रहने दो। किरण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ गिरिनगर के 8वें वार्ड की कॉर्पोरेटर मिस्टर मूर्ति। वेलकम सर। ये मेरा बेटा, एक बार इसका प्रोग्राम शुरू होता है तो सब कुछ भूल जाता है। आपके वार्ड में पीने का पानी नहीं है, सच बात है ना? पीने के लिए दुकान पर बिस्तर ही मिलता है ना? मिलता है, पैसा देना पड़ता है। मेरा सीरियल शुरू होने वाला है, घर का शीशा टूटा है, उसे चेंज कर ले बेटा, ये बोल के रिमोट छीन लेती हूँ। शायद मेरा बेटा मां जाए और रिमोट दे दे। जनता ने आपको क्यों चुना है? ताकि पीने का पानी बाहर से खरीदे? मैं सबको पानी नहीं दे सकता। नहीं दे सकते तो कॉर्पोरेटर क्यों हो? ये जनता का मौलिक अधिकार है। आप मुझे मौलिक अधिकार मत सिखाइए, इसी जनता ने मुझे चुना है। अच्छा ये सब छोड़िए, आपका एरिया क्लीन है क्या? पिछले महीने तक तो ठीक था, लेकिन इस महीने पता नहीं, देखा नहीं। तो देखना चाहिए ना? हा? बेटा रिमोट दे, मुझे भी देखना है। मैं नहीं देख सकता। मुझे सीरियल देखना है बेटा। क्या सीरियल देखना, छोड़ो ना। अरे बेटा, आज ना सास बहू पर कासली डालकर जलाने वाली है, वो बचेगी कि मरेगी, देखने देना। मैं भी पिछले एक हफ्ते से लगातार देख रहा हूँ, ये सास बहू का नाटक खत्म ही नहीं हो रहा है, ना सास मरती है ना बहू मरती है। ऐसा नहीं बेटा, बहुत अच्छा सीरियल है, तू भी देखेगा ना तो अच्छा लगेगा, प्लीज देना। सीरियल लगा रखा है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जरा देखो, न्यूज चैनल देखा करो माँ, ये देखोगी ना तो पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तुम्हारा दिमाग खुलेगा माँ। ठीक है, ये भी छोड़ते हैं। आपके कॉर्पोरेटर बनने से पहले आपके पास कितनी जायदाद थी बताएंगे? बेटा अगर तू मुझे रिमोट देगा ना तो मैं तुझे 20 रुपए दूंगी। मैं तुम्हें ऊपर से 10 रुपए दूंगा, चुपचाप देखो। इतनी देर क्यों लग रही है? देखो माँ, जरा ध्यान से, न्यूज रिपोर्टर ऐसी ही होनी चाहिए, उसकी आंखें, उसकी बातें, उसका स्टाइल सुपर्ब है ना माँ? ए सुपर्ब है। एक काम कर, ये मिलेगी ना तो शादी कर। ये मिले ना तो इसे भगा के शादी कर लूंगा। रिमोट दो माँ। रुक, अब मेरी बारी। ये लाइट कैसे चली गई? हे भगवान, जिसने भी ये लाइट काटी ना उसके घर पे बिजली गिरे। किसको इतना कोस रही है? और किसको, जिसने भी ये लाइट काटी ना उसी को। मैंने फ्यूज निकाला है।
आपको ये कुष्ठ रोग कब से हो गया? हाँ? एक लाफा मारूंगा तेरा दिमाग लाइन पे आ जाएगा पागल। कुष्ठ रोग होगा, कुष्ठ रोग होगा तुम दोनों को। कोई काम धंधा नहीं है, दिन भर एक गाड़ी खाते हो और टीवी के सामने बैठ जाते हो, और इसका देख दिन भर खा खा के फोकट का 20 किलोमीटर दौड़ता है। छुट्टा सांड हो गया है। आज क्या हो गया आपको? क्या हो गया है? तेरे सुपुत्र का 26वां साल चल रहा है। हाँ, लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी करवा दे। हाँ, शादी करवाएगी? इस नकारा को अपनी लड़की कौन देगा? घर में दिन भर बैठ कर टीवी देखने वाले, मजा मारने वाले को कोई अपनी लड़की नहीं देता है। लड़की के घर वाले इसको देखना भी नहीं चाहेंगे, समझी? तू मेरी एक बात मान ले बेटा, एक महीने के लिए बेंगलोर जाके कोई काम पे लग जा और लाइफ सेट कर ले। समझते क्यों नहीं हो? इस तरह मजा उड़ाने के लिए मेरे मरने के बाद तुमको कोई खजाना मिलने वाला है क्या? मैं एक कंपनी में छोटा सा मैनेजर मात्र हूँ। कल कहीं मेरे मालिक भड़क के बोले, गोविंद कल से मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे काम से, तो मुझे तुम दोनों को लेकर सड़क पे रहना पड़ेगा। गोविंदा करते रहेंगे सर। खाने का पैसा कहाँ से आएगा? पैसा मैं लाऊंगा। पैसा तू लेके आएगा? कहाँ से लाएगा? आजकल मैं पार्ट टाइम एसी का काम करता हूँ, तो वो मैं फुल टाइम कर लूंगा ना। हाँ? यही सब करने के लिए तूने एमएससी की पढ़ाई की? भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। मैं इसको नहीं समझा सकता, तू ही इसका कुछ कर। ये देख, ये है वेस्टिंग कार्ड। ये कंपनी बेंगलोर में है, ये मेरे मालिक का दोस्त है, मैंने इसकी उनसे बात की है, उन्होंने बोला काम हो जाएगा। दिन भर ग्राउंड में दौड़ना, वीडियो बनाना, दिन भर सो के टाइम पास करना, टीवी देखना, ये सब छोड़कर चुपचाप इसको बेंगलोर निकलने के लिए बोलो। मैं नहीं जाऊंगा माँ। अरे नहीं जाएगा बोल रहा है, जाने दो ना। अरे तू भी मेरे दिमाग की दही मत कर भगवान, एक तो पागल बजी रहा है और तू भी उसके साथ में चली हो गई, जाने दे रे। समझा नहीं सकते क्या? इस घर में मैं कमा के तुम लोगों को खिलाता हूँ, इसीलिए इतनी अकड़ से बात करते हो। मैं मर जाऊंगा तब तुम लोग के समझ में आएगा। आ? मैं सच कह रहा हूँ तब तुम लोग समझोगे, मैं अपनी जान दे दूंगा। हे भगवान, अच्छा सुनिए ना, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? एजी, दरवाजा खोलो ना। ड्रामा क्वीन की एक्टिंग देखो। खोलो ना, मैं उसे समझाऊंगी। आप दरवाजा खोलिए ना, वो मेरी बात मानता है, मैं उसे बोलूंगी। ए बेटा इधर आ जल्दी, भगवान के लिए बैंगलोर चला जा, तुझे मेरे सुहाग की कसम। ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, बता दो उनको। हा? क्या कंडीशन है बता दे, सुन रहा हूँ। इंटरव्यू खत्म करके बैंगलोर एक बार घूमूंगा, अगर 1% भी पसंद आए तो ही मैं रहूंगा, नहीं तो वापस अपने गांव लौट के चलाऊंगा। बोल दो अपने पति को ये बात, बैंगलोर भेजने मुझे बैंगलोर चला गया। तो पूरी जिंदगी गांव में बिता दी, मुझे चले। अरे बोल दे मैं मान गया। तू इतना चिंता क्यों कर रही है? बैंगलोर में ना सबके सपने पूरे होते हैं, कलरफुल दुनिया है, एक बार उसको जाने दे, फिर तू बुलाएगी तो वापस नहीं आएगा, पूरी जिंदगी वहीं बीत जाएगी। ये पकड़, उसको खर्चे के लिए दे, जा जल्दी। अरे जा ना। हेलो। हेलो। हाँ कहाँ है तू अभी? मैं यहाँ डैम के पास हूँ। डैम के पास है? हाँ। तू वहाँ क्या कर रहा है? अरे ये जो अपना रामायण का रावण है ना, मैं सोच रहा था कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी या सीजरी हुई होगी। अबे गधे, जिस चीज के बारे में सोचना चाहिए उस पे दिमाग लगाया होता ना तो अब तक सेट हो गया होता। अच्छा वो सब छोड़, अपने चाय की दुकान पे मिल। वो किस लिए? अरे मैं बैंगलोर जा रहा हूँ ना, तो रास्ते में ड्रॉप कर दे मुझे। ओ, तो मेरा भाई बैंगलोर जा रहा है, ठीक है मैं आता हूँ। खाना ही जानता है या पैसा देना भी जानता है? शुभू मुझे ड्रॉप करके वापस आ जाना। पकड़। ये मुझे क्यों दे रहा है? बांध कर बैठने के लिए चल। अबे बहुत वजन है, पत्थर भरा है क्या इसमें? चाय लिख ले। ठीक है। अबे अचानक बैंगलोर क्यों जा रहा है? अरे क्या करूं, बाप का माथा फिर गया, बोल रहे हैं एमएससी करके गांव में क्या करेगा, जाके बैंगलोर में नौकरी कर। अब क्या करूं, बाप है तो सुनना ही पड़ेगा। मेरी तो दिल से बिल्कुल इच्छा नहीं है बैंगलोर जाने की, बस एक बार जाऊंगा और सीधे चलाऊंगा। अबे तू बैंगलोर क्यों जा रहा है? ये देख कितना बड़ा तालाब है, इसमें मछली पकड़, जिंदगी आराम से बीत जाएगी। अबे ये तुझ जैसे लोगों के लिए है। अच्छा देख मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बाइक को कुछ होना नहीं चाहिए, समझा ना?
ऐसे बच्चे हैं। ए, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो उसको। बेटे दर्द हो रहा, कौन है वो लोग, तेरे दोस्त हैं क्या? वैसे क्या छीन रहे थे तेरे से? अच्छा जेब में चॉकलेट्स रखे हैं क्या? तो पैसे हैं क्या? तो दिखा ना क्या है। अरे बच्चू तू प्यारा बच्चा ना, चल दिखा। अरे दिखा तो सही। अरे सर छोड़ो ना, काय को इस पागल बच्चे के पीछे पड़े हो। ऐसे बच्चों को भूख लगे तो खाना देना चाहिए, आप लोग पैसे दे देते हो। अगर आपको कुछ देना भी है तो पाव दो, बिस्किट दो, ये आपके पैसे से नशे का सामान खरीदेगा और उसी नशे के लिए ये सब लड़ रहे थे। मैं ये रोज देखता हूँ। देख लिया ना आपने मैं क्या कह रहा था। हटो, किधर? राजा राजेश्वरी नगर चलोगे? रास्ता पता है? नहीं पता, शहर में नया हूँ ना। 300 लगेगा। 300 रुपए? हाँ। और 10 रुपए डालकर गांव वापस चला जाऊंगा। तो फिर जाना, या कर क्या रहा है? वैसे भी बैंगलोर घोंचुओं से भर गया है। चलने का ले। अपने बाप के पैसे से ऑटो लेके घूम रहा है और मुझे रोंप छाड़ रहा है। ए, काय के लिए तुझे 500 रुपए चाहिए? मैं रोज मैजेस्टिक से आराम नगर जाती हूँ और सिर्फ 150 रुपए होते हैं, और तुझे इसके 500 रुपए चाहिए? अगर तेरी कंप्लेंट कर दी ना तो तेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और ये तेरा ऑटो भी सीज हो जाएगा। ये तो किरण है। बात करूं क्या? रुक जा। हाँ, मूंगफली खाएगा क्या? खा लेना मेरे दोस्त। थैंक यू। ओनली 5 रुपीज, वहां से जाके ले ले। अरे बाप रे, क्या माल है यार। हाँ, मूंगफली को पिज्जा बोलता है। डफर कहीं का। उसको देख के आता हूँ। कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं देख रहा। ए! हेलो। हेलो। तुम्हारा नाम क्या है? शाहरुख खान। इतना धीरे टच करोगे तो क्या मजा आएगा? क्या मतलब? शाहरुख खान बनना छोड़ो। हा? और करीम खान की तरह टच करो। ओ, ऐसी बात है। मेरी बात सुनो। इतना लाइटली टच करेगा ना तुझे मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। टाइट से गले लगा ले, जब तक दिल करे लगा के छोड़ देना। आजा आजा, मैं रेडी हूँ। यहाँ पब्लिक देख रही है, कहीं कब्जे में चलते हैं। तुझे क्या टेंशन है, चल आजा। आप समझ नहीं रही है, पब्लिक बहुत है, कब्जे में चलते हैं। अरे आजा ना। ए, पब्लिक प्लेस है, पिटवाएगी क्या मेरे को? ए, पब्लिक प्लेस में टच कर रहा था तब तुझे समझ में नहीं आया? अब आ, मुझे गले लगना। आप गलत समझ रही है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ। भाग रहा है मोटे, आना। क्यों बे? जॉन से शाहरुख खान है तू? चल जा वरना बहुत दर्द होगा। निकल जल्दी, बाद में मिल बताऊंगा। क्या मैं? क्या करूं? बात करूंगा तो बुरा मान जाएगी। फालतू में पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। जान तो छोड़ो, फिर बाद में कभी देख लेंगे। ऑटो, ऑटो। राजा राजेश्वरी नगर। सिर्फ मलेश्वरम तक जाऊंगा। मैजेस्टिक से मलेश्वरम का बोर्ड लगा के घूम, चल जाए यहाँ से। एक काम कर, तू बोर्ड लगा लेना। ए, निकल ले यहाँ से। पता नहीं किसका मुंह देख के उठाऊं। एक्सक्यूज मी, आपसे ही? मुझसे? यस। आप भी राजा राजेश्वरी नगर जा रहे हैं? जी हाँ। राजेश्वरी नगर में कहाँ? वो अगर आपको बुरा ना लगे तो इस एड्रेस पर। ओ, मैं भी यहीं जा रही हूँ। आपका नाम? किरण। ये तो मेरा नाम है, अपना नाम बताओ। मेरा नाम भी किरण ही है। वाओ, कोइंसिडेंस है ना। एक काम करते हैं, हम लोग ऑटो शेयर करते हैं और मीटर का भी 50-50 शेयर कर लेंगे। कमर्शियल थिंकिंग, ओके। चलो।
पकड़ लिया मैंने। क्या हो गया? गैस खाली हो गया मैडम। ओह शिट। हेलो हेलो, इसका गैस खत्म हो गया है। पिताजी से मांगो ना माँ, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? क्या पागल है ये? उठो उठो, तुम बैंगलोर में अपनी माँ के घर नहीं हो। इस ऑटो का गैस खत्म हो गया है। चलो। कितना हुआ? भाड़ा ले लो, 40 रुपए निकालो। 40 रुपए। थैंक यू मैडम। क्या आदमी है। ए, ऐसे चलते हैं क्या? चलो। सर सर, ये तो बकरा प्रैंक है, हम तो बस शूटिंग कर रहे हैं। आज हमारे इस मस्ती भरे बकरा प्रैंक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है किरण ने, और इस प्रोग्राम की होस्ट भी किरण ही है, और ये गिफ्ट श्रीकांत ग्राफिक्स की तरफ से दिया जा रहा है। किरण प्लीज। थैंक यू। एक छोटी सी बात के लिए वो मेरे पीछे आया, बेचारा कितना बड़ा रिस्क लिया। मेरे लिए फाइट करके तुमने मेरा दिल जीत लिया, कहीं लगी तो नहीं? लगी, वो भी इस बॉडी को। नहीं नहीं। अच्छा, बैंगलोर में तुम किस एरिया में रहते हो? देखो, बैंगलोर में मुझे एरिया वीरिया का तो कुछ पता नहीं है, बस तुम मुझे ले जा रही हो और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, और कुछ नहीं। हेलो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका घर बैंगलोर में किस एरिया में है? हा? किस एरिया में? एक्चुअली मैं बैंगलोर का नहीं हूँ, मुड़ुकरी का हूँ। व्हाट? मुड़ुकरी में? मैंने तो सोचा था कि तुम नेपाल से बैंगलोर स्वेटर बेचने आए होगे। गांव में रहते हो और इतना स्टाइल मारते हो। क्या मैडम, कैसी बात करती हो?
जानती हो उपेंद्र भाई हमारे गांव में शूट करने के लिए आए थे, तो अपने फिल्म के लिए सारे कॉस्ट्यूम्स वहीं से लिए थे। ओ, तुम्हारे गांव में और हमारे शहर में बहुत फर्क है। क्या है? वहाँ पेड़ ज्यादा है, घर कम है। करेक्ट। यहाँ घर ज्यादा है और पेड़ कम है। सो बैड ना। वैसे हाँ। तुम बैंगलोर क्या करने आए हो? मेरे पिताजी बैंगलोर जाकर इंटरव्यू अटेंड करने की मुझसे बहुत जिद कर रहे थे। अब इंटरव्यू तो अटेंड करूंगा, उसके बाद बैंगलोर एक बार पूरा घूमूंगा। अगर मुझे 1% भी पसंद आया तो ही मैं बैंगलोर में रुकूंगा, नहीं तो वापस। यहाँ बैंगलोर में किसी को जानते हो क्या? मैं तो यहाँ पर लाइफ में पहली बार आया हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानता। अरे फिर बैंगलोर में अकेले कैसे घूमोगे? समझ में नहीं आता। हाँ? बैंगलोर में घूमना भी चाहता है और किसी को जानता भी नहीं। ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। बस 2 घंटे वेट करो, मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। इट्स ओके। लाइफ में पहली बार किसी लड़के के साथ घूमने में इतना सेफ महसूस कर रही हूँ। शाबाश भाई, जादू चल रहा है। आपको एक सच बताना है। इस दुनिया में झूठ बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तुम सच बताना चाहते हो तो बताओ। बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। आप प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलाती हो। हाँ? और खुद भी बहुत अच्छी हो। सच बोलना चाहते हो बोल के आप भी झूठ बोलने लगे। हाँ? जब से है तुमसे मिले, तेरी हंसी में ऐसे फंसे, हो बोली तेरी मखमली लगे, तुझ में ही खोना चाहे। बातें तेरी खुद से करूं, तेरी खातिर जीऊं मरूं, कर दे कुछ ऐसा ही तेरा मुझको सजा जीने लगा। अब तेरी रोशनी में खोने लगा, अब तेरी ही गली में जीने लगा, अब तेरी रोशनी में खोने लगा, अब तेरी ही गली में। कट जाएंगे पल ये तेरे संग ही चलते चलते, प्यारा लगे मौसम, हो तूने भरोसा किया है, लगे के कुछ पा लिया है। दिल चाहे पल रुक जाए, खोके तुझ में लुट जाए, तेरे संग संग घूम यूं ही, दे दे अपनी रजा जीने लगा। अब तेरी रोशनी को डर लगता है, आजा जल्दी छू के छेड़ दे सरगम। तूने ही घायल किया है अपनी ही खातिर नजर से, खाली जग था मेरा सनम, तूने आके भर दिया। दिल चाहे तेरे संग ही रहे, करना इसको मारा जीने लगा। अब तेरी रोशनी में खोने
मैं 100 रुपए दे दूं? हाँ दे दो। ये लो, ये पकड़ो चेंज। थैंक यू। ओके मैडम। देखो वो जगह है जहाँ तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। ये मेरा कॉलेज है, मुझे प्रिंसिपल से कुछ बात करनी है, तो अगर मैं पहले आई तो तुम्हारा वेट करूंगी, अगर तुम पहले आई तो मेरा वेट करना। बाय बाय। वीना जल्दी आ जा, वेट कर रही हूँ प्लीज। ओके ना, बाय। हे, बहुत देर से वेट कर रही हो। ओह, अभी थोड़ी देर ही हुई है। इंटरव्यू कैसा हुआ? बहुत ही बढ़िया था। ओके, बस बैंगलोर देखना बाकी है। ओह, मुझे 2 घंटे का टाइम दो, चैनल जाके आना है तो। टेंशन मत लो, मेरी फ्रेंड वीना आ रही है, वो हर वक्त फ्री रहती है, फोन कर दिया है, बस आ रही होगी। ओह, ओके। हे, वो देखो मेरी फ्रेंड। हाय किरण। जल्दी आने के लिए कह रही थी। कौन है तेरा फ्रेंड? ये है किरण। ये क्या, तूने इसका नाम भी किरण रख दिया? इसने नहीं रखा है, मेरे माँ बाप ने रखा है। दिखता तो एवरेज है लेकिन स्टाइल बहुत मार रहा है, तेरा चक्कर चल रहा है क्या? ए, कुछ गलत मत समझ, आज ही गांव से आया है, आज ही पहचान हुई है। हाय वीना। बैंगलोर घूमना चाहता है, प्लीज घुमा देना प्लीज। तू आज फ्री है ना? बैंगलोर में लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है और ये पागल बैग उठा के यहाँ घूमने चला आया। ओके, तू कह रही है तो कार्बन पार्क, विधानसभा, लाल बाग घुमा देती हूँ, इतना ठीक है? मान जा देवी, अब तू ही मेरी इज्जत रख सकती है। सिर्फ 2 घंटे, मैं वापस आ जाऊंगी। एक बात समझा दे, लड़की देख के कहीं मुझ पे कमेंट ना करे। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, मुझे पता है। कहीं ये मेरा लुक देख कर कोई ऐसी वैसी लड़की समझा ना तो इसे महंगा पड़ेगा। जाने दे किरण, ये देखो वीना है, एक्चुअल में लड़की है, बिहेवियर लड़कों जैसा है। अरे क्या कर रही हो, गाड़ी धीरे से चलाओ, इसमें तो सीट बेल्ट भी नहीं है, कमाल करती हो। क्यों, जान जाने का डर है? बात डर की नहीं है, हम तो सही चलाते हैं पर सामने वाला सही चलाते कि नहीं इसकी क्या गारंटी है? गाड़ी से टकरा कर हाथ पैर टूट गए तो? अरे बाबा, लाइफ में इतनी नेगेटिव बातें नहीं सोचनी चाहिए, कभी कभी इंसान को पॉजिटिव बातें भी सोचनी चाहिए। अच्छा, अच्छा भी पॉजिटिव हूँ, चलेगा? इसलिए बोल रहा हूँ, लाइफ में कहीं कहीं नेगेटिव फायदेमंद होता है। एक मिनट, कार में ही बैठना, मैं कुछ लेके आती हूँ। देख के, हेलो एक्सक्यूज मी, आपसे ही बोल रही हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? हाँ, तुझे क्या लगा धक्का मारेगा मैं छोड़ दूंगी तुझे? अपने आप को समझता क्या है बे? आज के बाद तो किसी लड़की को धक्का नहीं मारेगा। ये ले। अरे वीना जी छोड़िए ना, तू नहीं जानता क्या आप इसे मार रही हो, सब लोग देख रहे हैं, चलिए अब चलते हैं यहाँ से। इसमें मत पड़, भाग यहाँ से, इधर आ बे कालिए। लड़की को धक्का मारने में तुझे बहुत मजा आता है ना? समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, धक्का ऐसे नहीं मारते, मैं तुझे सिखाती हूँ। औकात मेरे। ए, क्या करता है यार, उस लड़की से तूने चुपचाप मार खा ली, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? थू, मैं तू तो मर्द के नाम पे कलंक है कालिए। ए, हम लड़कों को हमेशा बॉलर या बैट्समैन होना चाहिए, कीपर की तरह नहीं, समझा? भाई साहब, मेरी इस ब्लैक कलर पे मत जाना, मैं भी गेल की तरह सुपर बैट्समैन हूँ। अबे थू तेरी। अच्छा सुनो, एटलीस्ट वो एक लड़का है, इस बात का भी तुमने ख्याल नहीं रखा? उसे भी तो लड़की की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। वो तो बेचारा गलती से टकरा गया होगा। सुन, वो कोई गलती से नहीं टकराया था, उसने जानबूझ के मुझे टक्कर मारी थी। अगर वो गलती से टकराया होता ना तो जब मैंने एक्सक्यूज मी कहा था, हेलो एक्सक्यूज मी, तो वो रुक के सॉरी बोलता, लेकिन इसके बजाय वो भागने लगा। इसका मतलब पक्का वो 420 है, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया। बाप रे, हमारे गांव में तो ऐसी लड़कियां नहीं मिलेंगी। कैसी लड़कियां हैं वहां? आप एक बार हमारे गांव में आइए, आपको देखते ही खुद ब खुद पता चल जाएगा हमारा गांव और गांव की लड़कियां। ऐसा क्या, तुमने भी किसी से प्यार किया है? किया था लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ पर। ये कब की बात है? सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में प्यार?
मेरी भी लव स्टोरी एकदम सुपर्ब है। एक लड़की आगे जा रही थी और मैं उससे आगे जाकर खड़ा होकर उसे देख रहा था। हाँ तो? एक ही महीने में मेरी लव स्टोरी खत्म। वो कैसे? उसने मेरी माँ से क्या बोला जानती हो? क्या बोला था? उसने बोला कि तुम्हारा बेटा मुझे छेड़ता है और उसके बाद से मैंने लड़कियों को छेड़ना तो दूर देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि खामखा मार कौन खाएगा। और ये ज्ञान मुझे तभी आ गया था, इसलिए मुझसे कोई लड़की पटती नहीं है। तुम्हारी कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं है क्या? पांच सालों तक मैंने उसे जी जान से चाहा। वो भी मुझे बहुत प्यार करता था। वो हमेशा मुझसे कहता था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, सुख दुख में खड़ा रहेगा। बेचारा मेरी तरह बदकिस्मत निकला। एक दिन मैं उसके साथ थी, तभी एक लड़की का फोन आया और वो ये भूल ही गया कि मैं उसके साथ हूँ और वो उस लड़की से बात करने लगा। मेरा दिमाग खराब हो गया, गुस्से में मैं चली गई। मुझे लगा कि वो मुझे फोन करेगा, सॉरी बोलेगा और बताएगा कि वो लड़की कौन है। आखिर इतना इम्पोर्टेंट कौन है कि मेरे होते हुए भी वो उस लड़की से बात कर रहा था। लेकिन उसने फोन भी नहीं किया। 2-3 दिन नहीं, महीनों बीत गए। मुझे लगा कि उसकी नई गर्लफ्रेंड ने मना किया होगा, इसीलिए उसने मुझे फोन नहीं किया। देखिए बीना जी, जिस तरह आप उसके फोन का इंतजार कर रही हैं, उसी तरह वो भी आपके फोन का इंतजार कर रहा होगा। तो कोई चांस नहीं है, लड़के ऐसा सोच ही नहीं सकते। बीना जी, सारे लड़के कभी एक जैसे नहीं होते हैं। हम जैसे लड़के जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो भले ही जान क्यों ना चली जाए, लेकिन अपने प्यार को भूलेंगे नहीं। ये बात तुम बोल रहे हो ना, अगर उसने मुझसे सच्चा प्यार किया होता तो एक बार फोन जरूर करता। hey, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो खुद फोन क्यों नहीं करती? मैंने बहुत बार चाहा कि उसे फोन करूं, लेकिन नहीं कर पाई। मेरा ईगो बीच में आ गया, फोन उसे ही करना चाहिए। प्यार के लिए जान गंवा देंगे लेकिन ईगो नहीं छोड़ सकते ना। गाड़ी किसी जगह रोक दो, जूस पियेंगे। ठीक है, मैं गाड़ी यहीं रोकती हूँ, तुम पीकर आओ। ये पकड़ हनुमंत। हाँ ये लो मैडम। थैंक यू सर। हाँ दो ऑरेंज जूस पार्सल देना। पार्सल चाहिए? हाँ थोड़ा टाइम लगेगा सर, ऑर्डर है। ठीक है ब्रदर, एक सिगरेट देना। थैंक यू ब्रदर। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, कितना टाइम लगाएगा? सर रेडी हो गया? हाँ सर, 2 मिनट रुक जाइए सर। हाँ? पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते। अरे छोड़ यार, फॉरेन में तो पब्लिक के बीच किस करते हैं। या इंडिया में कभी खड़े होकर शुरू हो जाते, तुम भी करोगे क्या? सॉरी। हाँ प्यार की भाषा किसी को समझ में नहीं आती। वीना तो ये, अच्छा ब्रदर, एक छोटी सी माचिस की तीली से हमारी पहचान हुई है, तो मैं अगर एक छोटा सा सवाल पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? पूछो। ये लड़की आखिर है कौन? ये मेरी जान है। जान बोल रहे हो और आंखों से आंसू भी बहा रहे हो। हमारा 5 साल का रिश्ता था, 2 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ। मेरे और उसके बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, रोज रोज झगड़ा होने लगा, फिर वो नाराज होकर चली गई। गलती चाहे मेरी होती थी या उसकी होती थी, सॉरी हमेशा मैं ही बोलने जाता था, उसके बाद सब ठीक हो जाता था। लेकिन इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। उसके बाद से वो मुझे लगातार अवॉइड करने लगी। मैंने सोचा कि 2-3 दिन बात नहीं होगी तो उसे मेरी कदर होगी। मैंने गलत सोचा। 2 दिन का 2 महीना हो गया और इन 2 महीनों में मुझे कॉल तो छोड़ो, मिस कॉल तक नहीं दिया उसने।
अगर सच में उसने मुझसे प्यार किया होता ना सर, तो कम से कम दो महीनों में एक कॉल तो करती ना। उसने कॉल नहीं किया बोल के तुम, और तुमने कॉल नहीं किया बोल के वो, इस तरह तुम दोनों ने एक दूसरे को कॉल नहीं किया। सर इंसान कोई भी दर्द सह सकता है, लेकिन भगवान करे दुश्मन को भी ये प्यार का दर्द ना मिले। ठीक है, अगर उसने तुम्हारे सामने आकर ऐसा बोल दिया कि मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, और तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसा है सर, इतने सब की जरूरत नहीं है, बस वो एक बार मेरे सामने आके मुझसे बात करने में खुश हो जाऊंगा सर, उसको रानी की तरह रखूंगा। ठीक है, तो फिर आओ मेरे साथ। सुनिए वीना जी। हाँ? लीजिए स्ट्रॉबेरी जूस, तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए लाया हूँ। मुझे स्ट्रॉबेरी जूस पसंद है, तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे दिल ने। हाँ? मेरे दिल ने बताया? तुम्हारे प्यार के दिल ने। मैंने सिर्फ उसी से प्यार किया है और उसी से प्यार करूंगी, अब वो मुझे नहीं मिलने वाला। वीना जी, ये दुनिया एक बलून की तरह है, यहाँ लोग एक दूसरे से टकराते ही रहते हैं, क्या पता कौन कैसे काम मिलेगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैं तुमसे मिला था, कुछ कह नहीं सकते कौन कैसे किस तरह अपने नसीब से टकरा जाए, वैसे ही नसीब से मैं तुम्हारे लवर से टकरा गया। I missed you so much. I love you. I love you. आज के बाद तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, वादा करो, वादा करो मुझसे। ब्रदर, हाँ? कहाँ जा रहे हो? बहुत दिनों के बाद मिले हो, तो मैं तुम दोनों के बीच हड्डी नहीं बनना चाहता। सुनो वीना, आज के बाद तो कम से कम खुश रहना। ऑल द बेस्ट। डोंट वरी वीना, मैं किरण को फोन कर लूंगा। अरे अभी तो इसे नहीं छोड़ोगी ना? चाय लेंगी मैडम? हाँ दे दो। ओके। तुझे चाहिए? नो थैंक्स। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है क्या? हाँ बोलो। अरे यार क्या बताऊँ मैं? क्यों, ऐसा क्या हुआ? थैंक यू। हेलो, हे किरण। हेलो, 9 बजे तेरा लॉ मिनिस्टर के साथ लाइव प्रोग्राम है, ओके ना? ओके।
हेलो 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 ओह हेलो मुझे फोन लगा के तुम किससे बात करने चले गए थे? अरे वो तो मैं पावर स्टार पुनीत राजकुमार से बात कर रहा था मैडम। पुनीत राजकुमार से? हाँ उससे ही। ओके ओके अभी तुम कहाँ हो? कहाँ हूँ? डॉक्टर राजकुमार, मैं तो अभी डॉक्टर राजकुमार जी के समाधि के पास खड़ा हूँ। ठीक है मेरी तरफ से भी नमस्कार कर दो। अरे इतने बड़े महान व्यक्ति को तो कोई भी नमस्कार करेगा। भाई आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। हाँ अब बोलो। ठीक है वीना कहाँ है? वो तो चली गई। चली गई? उसके बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। पर उसका तो ब्रेकअप हो गया था ना? मैंने अपने तरीके से उनका वापस पैचअप कराया। उसके बॉयफ्रेंड को तुम कैसे मिले? दुनिया बहुत ही छोटी है मैडम, कोई भी किसी से कहीं भी मिल सकता है। चलो जाने दो, वो उसे मिल गई, उसके साथ चली भी गई। हम अपनी बात करते ना। तुम्हारा काम खत्म हो गया? ओह और भी काम आ गया है। रुको मैं किसी और से बात करती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो इस बार किसी लड़की से मत मिलाना प्लीज। ऐसी बात नहीं है, मेरा कजन ब्रदर अक्षय है ना, वो टोटल फ्री है, वो आ जाएगा। ओके तब तक मैं क्या करूँगा? हेलो अरे यार काट दिया। हाँ कभी फोन नहीं उठाता। बोल किरण। मैं कैसे बोल सकती हूँ, तू किस क्लब में किस लड़की के साथ पड़ा है? अभी अभी नहाया हूँ और पूजा करने जा रहा हूँ, तू ये बता कि काम क्या है? चुप रह, तू मुझे उल्लू नहीं बना सकता। हेलो ज्यादा बकवास करेगी तो फोन काट दूंगा। रुक, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए? तो तेरी फ्रेंड सनाया से मेरी सेटिंग कराएगी क्या? बकवास मत कर, हेल्प करेगा या नहीं? अच्छा मैं बोल रहा हूँ तो बकवास है, कोई बात नहीं, तुझे क्या हेल्प चाहिए वो बता। गाँव से मेरा एक फ्रेंड आया है। फंस गई चिड़िया जाल में, बॉयफ्रेंड है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंड है, गांव से आज ही आया है, बैंगलोर घूमना चाहता है। उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प मांगती हूँ, बोल मदद करेगा या नहीं? ऑफ कोर्स करूंगा, बता वो कहां पर है? वो राजकुमार सर की समाधि के पास है। समझ ले तेरा काम हो गया, उसका फोन नंबर मुझे मैसेज कर, मैं उसको पिक करता हूँ। हेलो हाय ब्रो, मैं अक्षय बोल रहा हूँ, किरण का कजिन ब्रदर। हाय अक्षय, अभी तुम कहाँ पर हो? अक्षय मैं अभी वो राजकुमार जी की समाधि के सामने जो बस स्टॉप है उसके बाजू में एक श्री कृष्णा बेकरी है, मैं बस वहीं बाहर खड़ा हूँ। हाँ ग्रीन कलर टी शर्ट राइट? हाँ यस। हेलो अक्षय। यप कम ऑन। तो फिर चले? यस। हे भाई देख मुझे ज्यादा फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, जो भी बोलना है खुलकर बोल तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तेरे को मेरी बात समझ में आई? चलो यार चल, तुझे आज मैं बैंगलोर का ग्लैमर दिखाता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना चुपचाप चलो, तू तो बड़ा सीधा है यार। तू पब जाता है ना? नहीं। स्नूकर खेला तूने? खेला है। ओके
तोड़ो। Hey, what's wrong? ये क्या कर रही हो? मैंने तो बस। क्या है ये? तुम एक हिंदुस्तानी लड़की हो और हमारे लिए आचार, समाज, संप्रदाय, सोच, मान, मर्यादा यही सब कुछ होता है, समझी? लड़कियों के लिए कुछ नियम होते हैं, उसमें रहना सीखो। One large, please. ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? इन कपड़ों में तो तुम्हारा पूरा का पूरा बदन दिख रहा है, अगर ढकोगी तो बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। अंदर आते समय तो इतने कम कपड़े हैं, बाहर जाते समय कितने बचेंगे? हाँ ए भाई, बस कर। कुछ गलत बोला हो तो माफ करना मुझे, बाय। बैंगलोर में लड़कियां इस तरह रहती हैं, मुझे नहीं पता था। अरे यार, तू क्या लेगा भाई? रम, विस्की, ब्रांडी, जिन, वाइन, बियर, पानी। क्या भाई, तुझे पसंद नहीं आया क्या? नहीं। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं बैंगलोर देखने के लिए आया हूँ। अरे ये बैंगलोर ही है। तुम्हारा बनाया बैंगलोर नहीं, कैंपा गौड़ा ने बनाया हुआ बैंगलोर देखना चाहता हूँ। वो तुझे नहीं मिलने वाला, मैं ढूंढ लूंगा। देखेगा, इन खुली हुई आंखों से तो कभी देख नहीं पाएगा। मेरे साथ रह, मैं तुझे दिखाऊंगा। पहले रजनी सर आए, अब हर कोई रजनी जैसा ही बनना चाहता है। पहले यहाँ बहुत सारे पेड़ थे, अब सिर्फ पिलर ही पिलर हैं। ऐसे में तुझे वो पुराना बैंगलोर कहाँ मिलेगा? भाई चल मेरे साथ, मैं तुझे जन्नत की सैर करवाता हूँ। तो ये देख भाई, मेरा बनाया हुआ स्वर्ग, ये मेरी प्रॉपर्टी है दोस्त। ए डूड, व्हाट्स अप? नथिंग स्पेशल ब्रो। हाय फ्रेंड्स। हे, हाय। हाय ब्रो। यहाँ से दिखेगा असली बैंगलोर। हे बेबी। हाय। Hi dude, what's up? I'm RK. I'm Kiran. Hey Kiran, ये है आयशा। Hey hi. Hello. विनोद। Hi. यूसुफ। Hi. और वो तेरे बगल में अरविंद। Hi. Hello. इधर, मैं भी इधर ही हूँ, जिंदा हूँ। Sorry boss. Kiran, जोगी भाई। Hello sir. Hello नहीं, hall है, दिल hall है। मेरे दिल का हाल ना बहुत बड़े हॉल जैसा है। मेरे दिल को लड़कियां इस्तेमाल करती है, घूमती है, फिरती है, छोड़ के चली जाती है। आठू माय डियर न्यू फ्रेंड, मैं तुम्हें एक फोकट का ज्ञान देता हूँ। लड़की अगर तुम पे चांस मारे ना तो टेक केयर, नहीं तो फिर डोंट केयर। आई एम ऑलवेज ऑल राइट। है इसकी बात पर ध्यान मत दे डूड, अभी अभी इसकी वाली छोड़ के गई है। ब्रह्मा, इन लड़कियों को बनाते टाइम उनमें दिमाग डालना क्यों भूल गया तू? हम जैसे लड़कों का दिल तोड़ के चली जाती है, जिंदगी मिस्ट्री बन के रह गई है। तू भी एक लड़का बन के पैदा हो, तेरी जिंदगी बर्बाद होगी, तब तक मालूम पड़ेगा। अरे यार, अब तू ब्रह्मा को बीच में क्यों घसीट रहा है? क्योंकि उसने हर लड़की के ऊपर एक ओके का सील मार के भेजा है, लेकिन हम सब लड़कों के लाइफ के ऊपर लर्निंग का बोर्ड लगा के भेजा है। सही बोल रहा हूँ ना माय डियर ओल्ड फ्रेंड? सही बोल रहा है भाई। I am always all right. ये हमेशा ऐसे ही रहता है भाई, इसको सीरियसली मत लेना। अच्छा अक्षय, यहाँ पर रेस्ट रूम कहाँ है? तेरे पीछे। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है, जाके बिंदास यूज कर। जल्दी जा, जल्दी जा। ए, हाथ कैसे लगाए? क्या कर रहा है बे? पहले ये हाथ कोटा छोड़ बे, जानता किसका बेटा हूँ? किसका बेटा है बे? ए, चला चला सगा नौसला। क्या कर रहा है बे? उठ, चल चल, तेरे को स्टेशन ले चलना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्टेशन नहीं आने वाला। इंस्पेक्टर, ये सब बहुत महंगा पड़ने वाला है। चुप कर, चुप चुप चाप, चल पहले हेल्प करो। कांस्टेबल कोई बचना नहीं चाहिए। पापा, यहाँ कोई इंस्पेक्टर आकर हमको बहुत तंग कर रहा है, जरा इससे बात करो ना। ले बात कर। कौन है बे? बात करना। हेलो। हाँ एमएलए बोल रहा हूँ। हाँ सर। सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा है सर। मेरे बेटे को पकड़ लिया? हाँ सर। और उसके दोस्तों को पकड़ लिया सर। इसका सारा गैंग आज हाथ लग गया। ओम पिक्चर देखा है तुमने? उसको मैंने 3 बार देखा है सर। उसमें लॉकअप में नंगा बिठा के कैसे मारते, याद है? हाँ सर। वैसे मेरे बेटे को नंगा बिठा के मारना, उसकी आवाज ना विधानसभा तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है सर। सुनने यार, तेरी माँ एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष है ना, रोड पे कुत्ते को घसीटते हैं तो वो आवाज उठाती है ना, खुद के बच्चे को पकड़ेंगे तो वो चुप बैठेगी क्या? सही लगा? अभी लगाता हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बोल बेटा। एक इंस्पेक्टर मुझे परेशान कर रहा है। कौन? आप अपनी तरफ से इसे समझाइए ना। हाँ मेरा दिमाग खराब कर दिया इस आदमी ने, आप इससे बात कीजिए ना। हाँ, उसे फोन देता हूँ, देता हूँ। ले बात करना, बात कर, जल्दी बात कर। इंस्पेक्टर, आपने मेरे बेटे को पकड़ लिया क्या? हाँ मैडम।
आज ये पूरे गैंग के साथ पकड़ा गया। वेरी गुड, आपने तेजस्वी ने पिक्चर देखी है? हाँ देखी है मैडम। उसमें विजया शांति अमरीशपुरी के लड़के को हथकड़ी लगा के लेके जाती है ना, वैसे ही से लेके जाना। सारे ड्रग्स के केस इसके पर डाल देना। ठीक है मैम। ये ले, और कोई बचा है? अरे यार, तेरे माँ बाप ने साथ नहीं दिया ना, तू चाचा को फोन लगा। रहने दे यार, मेरे बाप ने तुलाई करने को बोला, माँ ने हथकड़ी लगाने को बोला। चाचा को फोन लगाऊंगा ना, वो फांसी पर चढ़वा देगा। अब शांत रह, मुझे कुछ सोचने दे। चलिए सर। चल ठीक है। अरे यार तूने तो फंसा दिया, गलत बात है। डोंट वरी, दिल बड़ा है मेरा। हे किरण, चालू करे। एक मिनट रुकना, तेरा एक मिनट कब खत्म होगा? ये पकड़ो। हे मोबाइल साइलेंट मोड पर कर। साइलेंट क्यों? स्विच ऑफ करके रख देती हूँ। हाँ कर दे। ये लो। ठीक है, असल में तू ही मेरे फोन की दुश्मन है। चल चल। अक्षय, अक्षय, ए कौन है बे तू? मैं अक्षय के साथ आया हूँ। अक्षय के साथ? अक्षय और उसके पिल्ले लोगों को पुलिस उठाकर अभी ले गई है। तू लकी है इसलिए बच गया। चल निकल यहाँ से जल्दी। पता नहीं क्या हो रहा है ये। किरण को फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच्ड ऑफ है। स्विच ऑफ। अरे यार क्या करें। हेलो बॉस। बॉस लेना, एकदम मस्त माला है। नको माला, मराठी जानता है? ए बॉस रुकना। बॉस बॉस बॉस, तेरे को बहुत सस्ते में दे रहा हूँ। स्मगलिंग का माल है, ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार देखना। ओह ब्रदर, मेरे पास चश्मा है ब्रदर। अरे क्या बात कर रहा है यार, देखने के लिए पैसे थोड़े ना लूंगा, एक बार अपने हाथ में लेकर देख तो सही। बहुत अच्छा है, इसीलिए तो बोल रहा था कि एक बार हाथ में ले। और अब तू मुझे वापस दे रहा है? एक बार अपन कस्टमर को माल बेच दिया ना तो फिर वापस नहीं लेता। पैसा दे। हा? पैसा फक्त 500। मैं पहली बहुत टेंशन में हूँ, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। बता ये वापस लेगा या नहीं लेगा? लूंगा ना, लेकिन पैसा चश्मा नहीं। ठीक है जाने दो। ए तो मुझे मना करके जा रहा है? चश्मा ले लो और मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो क्या करेगा? अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मेरा अंजाम बुरा होगा? चमाइला, ए तू हमसे टकराएगा। ए मार इसको। ए डाल अंदर। अबे किसने मारा बे? पिंकी। क्या प्यार से व्यापार करेगा तो व्यापार अच्छा चलेगा, नहीं जानता क्या तू? सिखाना पड़ेगा क्या? बॉस सॉरी बॉस, मैं भी आपका फैन हूँ, मुझसे गलती हो गई। बस एक बार मौका दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, माँ कसम। हाय, थैंक यू ब्रदर। बैंगलोर में नए हो? नया हूँ। कहाँ रहते हो? चिकमंगलूर। ओ तलाइबा को जानते हो? हाँ जानता हूँ ना, मैं बैंगलोर में बहुत ज़्यादा रहा हूँ।
ये बैंगलोर है, होशियार है। आज हमारे बीच से एक ईमानदार अधिकारी दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मौत कैसे हुई कुछ पता नहीं। मैं जो कह रहा हूँ आप उसके बारे में जानती हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जानती। इसके बारे में हमारे गणमान्य अतिथि कानून की रक्षा कैसे की जाए ये आप सबको बताएंगे। आइए जानते हैं। बताइए सर। सुशील थोड़ा लेफ्ट लो, जूम करो। हाँ फाइन, ओके। जी, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, हरदम उसको डांटता था कि पैसा कमा पैसा कमा। अपने इकलौते बेटों को मैंने बेंगलुरु भगा दिया। पता नहीं कैसा होगा, कहां होगा वो, क्या कर रहा होगा, खाया भी होगा कि नहीं। खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही। बेटा सामने रहता है तो डांटते रहते हो, अब वो सामने नहीं है तो ना प्यार जता रहे हो। मैं तो आपको कभी समझ ही नहीं पाई। हाँ बोलो माँ। कहाँ है बेटा? लंदन में। हाँ लंदन में, तो और क्या, बैंगलोर में भेजा है तो मैं बैंगलोर ही रहूंगा ना। हाँ बेटा वही तो, बैंगलोर में तू कैसा है, कहाँ है? माँ मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, जब मैं आऊंगा तो सब कुछ बता दूंगा, आप फोन रखो प्लीज। हेलो बेटा सुन तो। किसी महान कवि ने सही लिखा था, लॉरी से निकली हुई धूल लड़की के मुंह से निकली बात की तरह है। सुनो दोस्त, जरा होशियार रहना, एक बार लड़की तेरी लाइफ में आएगी ना तो सब कुछ बदल जाएगा। हम दो आंखों से देखते हैं ना, दोनों से नजरें घुमाते हैं, दोनों से रोते भी है ना भाई, लेकिन अगर लड़की सामने आती है तो एक आंख मारते है ना। आपने बिल्कुल सही कहा बॉस, लेकिन मैं खुद ही ये सब समझ नहीं पाया। समझने की जरूरत क्या है भाई, लड़कियां होती है ऐसी है, उन्हें देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और फिर दिल दे बैठते हैं और फिर गले भी लगाते हैं। अगर लड़की ज्यादा खर्चा कर दे तो खो जाते भी हैं, एक बार लड़की छोड़ के चली गई तो देवदास बन के बैठ जाते हैं। यही होती है लड़कियों की कहानी। वो देखो ये जो हाथी की तरह खड़ा है ना, काला चश्मा पहनकर, अरे ये कालिया सोच रहा है कि किसको टोपी पहनाओ। यहाँ संभल कर रहना, बैंगलोर है। अच्छा यार तुम्हारी आंखें लाल क्यों है, रात को बराबर सोई नहीं क्या? रात भर में जर्नी बहुत हुई थी, ठीक से सो नहीं पाया। अरे तो फिर यहीं सो जाओ ना। यहाँ पार्क में? अरे यार हमारे नेता पार्लियामेंट में जाके सो जाते हैं, तुम यहाँ पार्क में नहीं सो सकते क्या यार? ठीक है, तुम जरा बैग का ध्यान रखोगे। ए, कैसी बातें कर रहा है, मैं क्या यहाँ पर फोकट बैठा हूँ? हाँ? अभी 5 मिनट पहले तेरी मेरी पहचान हुई है और तू मुझे काम पे भी लगा दिया, मैं कोई देख रेख नहीं करने वाला, समझा क्या? अपना बैग अपने सर के नीचे लगा और सो जा। बात करता है लोगों का सही है, उंगली दो तो हाथ ही पकड़ लेते हैं। बैग का ध्यान रखना है। मेरा बैग। भाई जरा सुनिए, यहाँ जो बैठा था वो कहाँ है? वो तो तेरा बैग लेके निकल गया। अरे पता नहीं, देखने में तो चोर नहीं लग रहा था, कहाँ चला गया होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स बैग में ही तो थे। भैया क्या हो गया, कुछ एक बार घूम गया है क्या? क्या देख रहे हो? यहाँ देख रहे हो ना कितने लोग आते जाते हैं। भैया भूख लगी है। कैसे खाएंगे, मेरा तो पर्स ही चोरी हो गया। ऐसा क्या, एक मिनट रुको। क्या है ये? पैसा है भैया। इसका मैं क्या करूँगा? वहाँ देख रहे हो ना खाने की गाड़ी है, ये पैसा उसे देकर आप ना भरपेट खाना खा लेना, आप जाके खाना खा के आओ, मैं यही मिलूंगा। अब तुम्हारे पैसों से मैं खाना खाऊं क्या? मेरे पैसे का खाना नहीं देंगे क्या? मेरी माँ ने मुझसे कहा है भूखे आदमी को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। मुझे पुण्य मिलेगा ये सोचकर मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, मना मत करो भैया प्लीज। लो। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, आखिर तुम्हें ये सब सिखाया किसने? हम्म,
क्या हुआ बोलो? अरे बोलो तो। डिसअपॉइंट। हाँ? डिसअपॉइंट। लव डिसअपॉइंट। अरे बाप रे, इस उम्र में लव डिसअपॉइंट। ओए, अभी तो लाइफ शुरू भी नहीं हुई और अभी से। भले ही मैं छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी मन है। बड़े लोग ही प्यार कर सकते क्या? छोटे लोग नहीं कर सकते। आप करोगे सही है, मैं करूँगा गलत है। मेरी भी लव स्टोरी है, सुनना चाहोगे? बताता हूँ मैं अपनी स्टोरी। मैं यहाँ पे बलून बेचता हूँ। बलून बलून बलून, आ जाओ ले जाओ, सिर्फ 10 रुपए का एक। 10 रुपए 10 रुपए। दिन भर में मैं ना 50 से 60 बलून बेच लेता हूँ। दिन भर में जितने भी बलून बिकते हैं, मैं शाम को उसके पैसे गिनता हूँ। और जब मैं पैसे लगे अपने एरिया में एंट्री मारता हूँ। मेरे सामने एरिया में कोई नहीं टिक पाता, खूब तन के चलता हूँ। एक दिन मेरे मन ने मुझे रुकने को कहा। लेफ्ट में देखा, खिड़की थी, खिड़की पे एक लड़की थी और उस लड़की के चेहरे पे ब्यूटीफुल स्माइल थी। रोज की तरह दूसरे दिन भी मैं बलून बेचने के लिए निकल पड़ा। उस दिन धंधा बहुत ठंडा था और जब मैं अपने एरिया में एंट्री मारा, खिड़की की तरफ देखा, वही खिड़की, वही लड़की, वही स्माइल। उस एक स्माइल ने मेरे दिल पे क्या जादू किया पता है? मेरा कॉलर टाइट हो गया और मैं अपना सीना तान के चलने लगा। मैं खुशी खुशी घर गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात मुझे उसके सपने आते रहे। सुबह जल्दी जल्दी उठा और नहाने के लिए पानी गर्म किया। मगर संक्रांति आ गई थी, एक महीना हो गया था। दूसरे दिन शिवरात्रि थी, मैं फटाफट उठा और गर्म पानी से नहाया, पूरा साबुन खत्म कर दिया। खुशी खुशी मैं अपने धंधे में निकल पड़ा। अच्छा धंधा हुआ, अभी तो स्टोरी चालू हुई है। उसके बाद मैंने कैसे एंट्री की पता है? दौड़ते हुए उसकी खिड़की के पास गया। मेरे पैर के नीचे से जमीन घसक गई। क्यों बे छोटू, उसे तेरी शक्ल पसंद नहीं थी इसलिए उसने थूक दिया क्या? नहीं भैया, वह कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ एक लड़की का पोस्टर था। मेरा दिल चकनाचूर हो गया और गुलाब का फूल टूटकर नीचे गिर गया। पोस्टर देख के प्यार किया? तू भी ना यार। भैया क्या है, बैग घूम गया है, भूल गए क्या? पोस्टर की लड़की से कोई प्यार करता है क्या? छोटा बच्चा हूँ, पोस्टर की लड़की नहीं समझ पाऊंगा। आपका बैग घूम गया था आपको हंसाने के लिए, ये नकली स्टोरी मैंने बनाई थी। अच्छा? एक हंसी सारे दुख दूर कर देती है भाई। छोटू जल्दी आ, माल आ गया। आना आया, एक मिनट भैया, मेरे दोस्त बुला रहे, चलता हूँ, बाय बाय। भैया उदास मत रहना, हरदम हंसते रहना, मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा। माँ ने कहा है को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। हेलो, एक्सक्यूज मी, बहुत भूख लगी है, 20 रुपए दोगे क्या? बेंगलुरु में 1 रुपया मांगो तो बहुत बात करते हैं। तुम तो सारे पैसे दे के जा रहे हो, जरूर किसी गांव से आए होगे, क्यों बताओ ना भाई। मुड़ू करी से। ब्रदर, मैंने तुमसे एक छोटा सा झूठ बोला। क्या झूठ? मैंने तुमसे खाने के पैसे मांगे थे ना, वो हाँ। खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए था, और पीने के बाद मेरे को कुछ कुछ होने लगता है। मैं तुम्हें इधर रोड पे छोड़ के नहीं जाऊंगा, अपने घर लेके जाऊंगा, खाना खिला करके उधर से भेजूंगा। मेरी बीवी ने बहुत बढ़िया खाना पका दिए। ओ देखो भाई, हमारे एरिया का ऐश्वर्य राय, कम ऑन फॉलो मी, बहुत मजा आएगा, चलो ना। सुंदरी, पता नहीं तू आज ना बहुत एकदम मस्त लग रही है यार, एकदम झक्कास। हो गया तेरा, जा अपना काम कर। अरे तू कुछ करने देगी तभी तो करूँगा ना। देख मेरे धंधे का टाइम है, टाइम खोटी मत कर, चल भाग यहाँ से। सुंदरी, तू बदन पे घी लगाती कि तेल लगाती, बता ना।
घी भी नहीं लगाती, तेल भी नहीं लगाती, चल फूट यहाँ से। तू घी नहीं लगाती, तेल नहीं लगाती, नहीं कुछ ना कुछ तो तू लगाती है। एक मारूंगी अभी खींच के, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने चला है, चल फूट यहाँ से। सुन रे, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अपुन तेरे को चैलेंज करता है, तू घी या तेल कुछ तो लगाती है, अपुन तेरे को चैलेंज करता है। सुबह सुबह भूनी के टाइम पे ये बेवड़ा कहाँ से आ गया, अब क्या करूँ। ठीक है, तेल घी क्या लगाती हूँ वो छोड़, चैलेंज क्या है वो बता। सुंदर पास आना, और आ, 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 और पास आना आज। ए, क्या कर रहे हैं बे? अरे टेस्ट नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा कौन सा तेल लगाती है। तू ऐसे नहीं सुधरेगा बेवड़ा कहीं का। भाई ऐसे लोग का भरोसा नहीं कर सकते, पैसा लेके ना पलटी मार जाते, अपन लोग को शांति कैसे मिलेगी वो सिर्फ ना 90 मारने के बाद। अरे काहे की शांति, जरा देखो इस बैंगलोर को, कितना पॉपुलेशन, कितना पॉल्यूशन, ये भी कोई लाइफ है? अरे हमारे गांव में आके देखो, सब जगह साफ साफ दिखाई देगा, कलरफुल लाइफ है। हेलो, आपने तो लाइफ ही बिल्कुल कलरफुल लाइफ है। ए, आपने पे कलर कितने पे का होली आ गई क्या? होली लगा भी होली लगा होली है। ब्रदर, नहीं ब्रदर सुनो, मेरे पास ये एक ही कपड़ा है, मुझे जाने दो ना, मैं होली नहीं खेल सकता। देख भाई, साल में एक ही बार होली आती है, वो तो हम मनाएंगे, मुझे क्या टेंशन है, कपड़े का ना हम देंगे। चल ना यार, देखो इसको यार, ही इज लुकिंग हॉट, लुक एट सिक्स पैक, योर सिक्स पैक, योर सिक्स पैक। सोचे क्या रे, आज चल होली खेले, रंग सतरंगी चढ़ा कलरफुल है। दूर दूर सोचे क्या रे, आज चल होली खेले, रंग सतरंगी चढ़ा कलरफुल है। व्हाइट कलर लड़की चुने, स्टाइल तेरी मुझको जचे, मस्त कलर तेरा चढ़े, रिंक जिका रे, चढ़ा कलर तुझ पे गोरी फुल कलर, लव कलर लवली कलर दिल कलर। सोचे क्या रे, आ चल होली खेले, रंग सतरंगी चढ़ा कलरफुल है। दूर दूर सोचे क्या रे, आ चल होली खेले, रंग सतरंगी चढ़ा कलरफुल है। था ये आसमां छाई है नीली हंसी, मैं हूँ तेरे रंग में रंगी। अच्छा? चल ले जोर ना ले चल कहीं, यारो देखो दुनिया कलरफुल है, चढ़ा कलर तुझ पे गोरी फुल कलर, लव कलर लवली कलर दिल कलर। दूर दूर सोचे क्या रे, चल होली खेले, रंग सतरंगी चढ़ा कलरफुल है। दूर दूर सोचे क्या रे, चल होली खेले, रंग सतरंगी चढ़ा कलरफुल है। चन्न नारा नर नारा रे, चन्न नारा चन्न नारा। सोचे क्या रे, चल होली खेले, रंग सतरंगी चढ़ा कलरफुल है। सोचे क्या रे, आज चल होली खेले, रंग सतरंगी चढ़ा कलरफुल है।
हमारे चैनल में नहीं आया। अब ये समझ ले तेरा प्रोग्राम भी चालू नहीं होने वाला। किरण की कितनी मिस कॉल्स आई हैं, तेरी वजह से स्विच ऑफ किया। मैंने मोबाइल साइलेंट करने के लिए बोला था, स्विच ऑफ तो तूने खुद किया था ना। हाँ, अब तो ये नॉट रीचेबल बता रहा है। अगर हम भी बेसमेंट में जाएंगे तो हमारा नेटवर्क भी गायब हो जाएगा, पता नहीं बेचारा कहाँ घुसा होगा। डार्लिंग, ओपन द डोर, पति परमेश्वर है। ये देखो, ये हमारे घर पर आए। नमस्ते। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इनके लिए जाकर कुछ बनाओ। जा, जा ना। एक मिनट अंदर आओ ना। आता हूँ। ब्रदर, सिट डाउन। ओके ओके। अरे मैं सोफा नहीं खरीदा क्या? अरे क्या बोल रहे हो? अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे भाई छोड़ो, छोड़ो इनको, सबके सामने मार रहे हो उन्हें। नहीं छोड़ूंगा, तू है यार। रुको यार, जान से मार दूंगा। मेरा दोस्त इतनी दूर से है और कहते खाना नहीं है, खाना नहीं है तेरे पास। तेरी हिम्मत कैसे मना करने की? बता ना, मार दूंगा मैं तुझे। जा भाई, अच्छी बात नहीं है। निकल जा मेरे घर से। ए जा ना, कहां जाएगी? ए, किसको जाने के लिए बोल रहा है? मुझे जाने को? निकल। अरे बहन, अभी तुम शुरू हो गई, क्या कर रहे हैं? तुझे जान से मारूंगी। जा रे, घर से निकालेगा मुझे। ऐसे नहीं होगा, आज तेरा किस्सा ही खत्म करती हूँ। ये क्या करने जा रही हैं आप? इससे शादी करने से पहले मैंने बहुत सपने देखे थे। ये तंग करता है, उसकी चिंता नहीं। मैंने तो ये सोचा था कि रुकी सुखी काके मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी। शादी के पहले दिन ही इसने मेरे गहने चोरी कर लिए, धीरे धीरे घर के सारे बर्तन बेच आया। इतना ही नहीं, मेरा मंगलसूत्र भी ये जाके बेच आया। फिर भी इसे शर्म नहीं आई। मैं घरों में जाके बर्तन मांजती हूँ और उससे जो पैसे मिलते हैं उन्हें चोरी करके ये दारू पी जाता है। भैया पूछो इससे, जिंदगी नरक बन गई है भैया। फिर भी मैं खुशी खुशी इसके साथ जिंदगी बिता रही हूँ। आप ही बताइए ना, मैं घर का भाड़ा भरूं या राशन लाऊं या फिर इसके लिए दारू खरीद के लाऊं? भाई, शादी करके बच्चा पैदा करना मर्दानगी नहीं है। अपने परिवार की अच्छे से परवरिश करना, इसे ही मर्दानगी कहते हैं। माँ, हाँ बेटा, आप रो रही हो क्या माँ? नहीं बेटा, मैं तो नहीं रो रही। क्या माँ, आपने मुझे सुबह सुबह उठा के स्कूल भेजा, आपने तो बोला था मुझे वहाँ पे खाने को खाना मिलेगा। वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना माँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना माँ। कौन से बाप की है जो तुझे खाना भी नहीं दे सकती? तुझे बहुत पसंद है ना प्रसाद, मैं वही ला कर देती हूँ तुझे, ठीक है ना? ठीक है, ला, मैं खा लेती हूँ। आ बैठ, ये ले खा ले। एक भाई समझकर तुम्हें एक बात बताता हूँ, गलती तो माफ हो जाती है लेकिन अपराध नहीं। तुमने अब तक जो किया वो गलती थी, इससे सुधार सकते हो। जरा देखो, तुम्हारी बेटी भूखी है ये जानकर भी तुम इसी तरह शराबी बनकर जिंदगी बिताओगे ना, तो वो अपराध से कम नहीं होगा और इसकी कोई माफी नहीं है। तुम तो मुझे यहां खाना खिलाने के लिए लाए हो, कोई बात नहीं, दुनिया बहुत ही छोटी है भाई, जिंदगी रही तो हम वापस मिलेंगे। अगर तुम अपने परिवार को खुशी से दो रोटी खिलाओगे ना, तो तुम्हारे साथ आधा गिलास जो चाय पीऊंगा वो अमृत के समान होगी। उम्मीद करता हूं मेरी बात तुम समझ गए होगे। चलता हूं मैं। हेलो। अरे वाह, रेगिस्तान में तो पानी आ गया है। क्यों, क्या हुआ? तुमने पहले वीना को भेजा था, उसे अपना बॉयफ्रेंड मिल गया, और तुम्हारा वो अक्षय, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। व्हाट? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? क्यों, किस लिए? अरे गलती की है, अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं बच गया।
ठीक है, तुमने बैंगलोर देख लिया? अब तक जितना देखना था उतना तो देख ही लिया, अब आगे क्या देखना है वो बताओ। मेरा काम सब खत्म हो गया है, मैं ही आती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ, यहाँ एक पान बीड़ी की दुकान है, मैं पूछ के फोन करता हूँ। ओके भाई, ये एरिया कौन सा है? अरे ये एरिया कौन सा है? इसके तो दोनों स्पीकर आउट हैं। अरे 100 रुपए खत्म हो गया। हेलो, बताओ कहाँ हो? अरे क्या बताऊँ कहाँ हूँ, वो तो बात ही नहीं कर पा रहा है। मेरी बात उसे समझ में नहीं आएगी और उसकी बात मैं समझ नहीं पाऊंगा। ऐसा क्या? देखो आसपास कोई होगा, लोकेशन बता देगा। एक मिनट, यहाँ कोई इंस्पेक्टर आ रहा है, मैं उससे पूछ लेता हूँ और फिर तुम्हें फोन करता हूँ। ओके। सर 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 एक मिनट सर, सर यहाँ का एड्रेस बताइए ना। पहले तू 300 रुपए फाइन निकाल। एड्रेस पूछे तो 300 रुपए फाइन देना पड़ेगा। एड्रेस पूछने का नहीं, ये पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने का फाइन है। तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? सॉरी सर, मैं जरा टेंशन में हूँ। इससे तेरा टेंशन कम होगा, चल 300 रुपए फाइन निकाल। सर 300 रुपया तो दूर, जेब में 3 रुपए भी नहीं है। ए, तेरे जैसे 300 लोगों को रोज चराता हूँ मैं। ये देख, फाइन देगा तो 300 रुपया, हाथ में देगा तो 100 रुपया, क्या करना जल्दी बोल। सर 3 रुपए भी नहीं है तो 100 रुपए कहाँ से दूंगा सर, इस मोबाइल के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। चले मोबाइल में बेच देता हूँ, तेरे लिए रसीद काट देता हूँ। सर ये मोबाइल दूंगा तो मैं गांव कैसे जा पाऊंगा, अब फाइन के पैसे नहीं है तो आप मोबाइल ले ले रहे हो, अब मोबाइल के बदले कुछ और दे सकता हूँ? ये घड़ी नहीं है क्या? सर मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ था तो मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दी थी। मेरा बेटा भी तो अभी भी पास हुआ है, मुझको भी तो गिफ्ट देना चाहिए। मेरा मोबाइल। हाँ तेरा टाइम अच्छा है जो छोड़ दिया, नहीं तो तुझे बुलेट पर बैठा के लेके जाता। हेलो, लोकेशन पूछा? पूछा था तो उसने छीन लिया। क्या? मेरा वॉच। वॉच उसने क्यों छीन लिया? पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी रहा था इसलिए छीन लिया उसने। ठीक है, वहाँ कोई नहीं है क्या एड्रेस बताने के लिए? कब से यही तो बता रहा हूँ। हे ब्रदर, अपुन है ना यहाँ पर हमेशा आपकी सेवा के लिए, एनी हेल्प? सर मैं कहाँ हूँ ये अभी बता सकते हो? ओके, नाइस मोबाइल है, थैंक यू। जी हेलो, लड़की है क्या? हेलो मैडम। हेलो, बोलो। बहुत अच्छा लगा बात करके, तू यहीं पर रुक भाई। हेलो मैडम, आप व्हाट्सएप फेसबुक पर है क्या? मैं सब पे हूँ। पहले मेरा फ्रेंड कहाँ है ये बताओ। मैडम ये यहीं पर है मैडम। ए तू यहीं पर रुकना। हाँ ओके ओके। कहाँ है? हेलो हेलो, लगता नेटवर्क वीक हो गया। Hello? मैं नेटवर्क लेकर आता हूँ। सर सर, अरे तेरी, क्या सोच रहा, मुझे पकड़ लिया? ये अपुन का एरिया है। ए, तो खुद को किंग समझ रहा है क्या? पर यहाँ का असली किंग तो मैं हूँ।
लड़ेगा मुझसे, लड़ेगा। तू किंग का नाम लेकर जिंदगी गुजार रहा है और मैं शिव का नाम लेकर जिंदगी गुजार रहा हूं। चल मेरा मोबाइल निकाल टकले। हेलो हेलो किरण। ए तुझे क्या हो गया, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा था? वो लंबी कहानी है, सामने मिलके बता दूंगा। ठीक है, कहाँ है तू? ये एरिया कौन सा है? ओयाली कवल। ठीक है, वहाँ बगल में एक छोटा तालाब है, मैं वहीं आ रही हूँ, तुम भी आ जाओ। ठीक है। क्या सोच रही हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ दे रहा है क्या तुम्हें? तकलीफ ना हो इसीलिए सोच रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ एक स्कैंडल चल रहा है, न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर जगह बस इसी की चर्चाएं चल रही हैं। तुमने सुना क्या? उसमें से आधे लोग अभी तक वापस अपने गांव नहीं आए। बहुत से लोग दूसरे गांव, दूसरे देश चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ये लोग अपनी मर्जी से गायब नहीं होते, इसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। मतलब? मानव तस्करी, पैसे के लिए, वैश्यवृत्ति के लिए, आंखों के लिए, किडनी के लिए, बच्चों को, लेडीज को मार डालते हैं। हमारे शहर में पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट 3,500 लोग गायब हो चुके हैं। आखिर ये सब कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? ये कौन है जानते हो? इन्हें कौन नहीं जानता, हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनंत कुमार है ना, राजनीति के क्लीन हैंड। ये गरीबों की बहुत मदद करते हैं, कुल मिलाकर कहा जाए तो एक अच्छे समाज सेवक। समाज सेवक नहीं, मजा लेने वाला सेवक है। ये पहले क्या काम करता था पता है? मैजेस्टिक में एक लॉज चलाता था, वहीं से इसने धंधा चालू कर दिया। उसमें इसका साथ देता था इसका छोटा भाई प्रसाद। एक दिन उस लॉज में कोई बड़ा आदमी आया, दोनों भाइयों ने उसके पास पैसे देख लिए और उन दोनों ने अपना प्लान बना लिया। डुप्लीकेट की से उसका रूम खोला और जाकर उसका मर्डर कर दिया और उसका सोना, उसका पैसा, सब कुछ ले लिया। उसके बाद उसने राजनीति में कदम रखा, ये शुरुआत थी। उसके बाद ये MLA बना, विधायक बना और इसका भाई कॉर्पोरेटर बन गया। ये दोनों भाई लड़कियों को जबरदस्ती दुबई भेजते हैं, उन्हें कैसे भी बचाना होगा। कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता, पर समझ नहीं आता कैसे। अब ये हेल्थ मिनिस्टर बन गया है, नकली दवाइयाँ खुद बनाकर ये सरकारी अस्पताल में बेचता है। आज इसका स्टिंग ऑपरेशन करने का बढ़िया चांस है, पर मेरा साथ देने के लिए कोई राजी नहीं। मैं साथ दूंगा। What? मैं साथ दूंगा, तुम सिर्फ बताओ वो जगह कहाँ है। मेरा ट्रक आ रहा है,
कोई भी पुलिस वाला टांग नहीं अड़ाना चाहिए, अच्छा नहीं होगा। किरण, हमें उन्हें बचाना होगा। पागलों जैसी बात मत करो, उनको बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान चली जाएगी। चलो, ए, वो लड़कियां और औरतें मुश्किल में हैं। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, कुछ तो कर सकते हैं। ये हीरो बनने का टाइम नहीं है, चलो यहाँ से। चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो, नखरा करती है। ए, जान से मार डालो इसे। एक औरत के पेट से तूने जन्म लिया और एक औरत को ही तू धंधे पे लगाता है, शर्म नहीं आती?
अच्छा हुआ हमारा काम बहुत ही आसानी से हो गया। मुझे क्यों मारा बता सकती हो? तो फिर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मेरे गांव में किसी भी लड़की को कोई तकलीफ हो तो वहाँ के लड़के यहाँ की तरह चुप नहीं बैठते हैं। मैं भी गांव से हूँ, मैंने लड़कियों की मदद की, तो इसमें मेरी गलती है? गलती नहीं है, तुमने सही किया। इनकी मदद करने के चक्कर में कहीं तुम फंस जाते तो क्या होता? अरे यार, हमने तो अच्छा काम किया है। हे, ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हें जो हासिल करना था वो कर लिया, अब खुश हो जाओ। लेकिन सब खत्म हो गया ये मत समझना, और भी देशद्रोही बहुत हैं, तुम्हें उन्हें सजा दिलवानी है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हे, अगर मेरी मदद चाहिए तो एनी टाइम कॉल कर लेना, इनकमिंग तो फ्री है, मैं तुरंत आ जाऊंगा। गांव जाने के बाद प्लीज मुझे मत भूल जाना। हाँ, कुछ मांगूंगा तो मना नहीं करोगी ना? मांगो। मुझे गांव जाना है, सारे कपड़े फट गए हैं, अब मान मर्यादा की बात है, अब ऐसे तो नहीं जा सकता, एक शर्ट दे दो ना। चलो देती हूँ। और एक चीज मांगनी है, मना मत करना प्लीज। मांगो ना। गांव जाने के लिए बस के पैसे नहीं है, सिर्फ एक टिकट दिलवा दो। अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? वो क्यों? आंखें बंद करो तब बताऊंगी। ओके। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ दिखाना मैं पसंद नहीं करता। मजाक मत करो, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अपनी अंगूठी तुमने मुझे दी, वो किस लिए? मेरी यादों के लिए। तुम गांव जाने के बाद जब भी इसे देखोगे मुझे याद करोगे। जो भूलना चाहिए उसे भूलेंगे, कुछ वक्त घर वालों को भी भूल सकते हैं लेकिन दिल में जो बस जाते हैं उन्हें नहीं भूल सकते। पागल हो, इसका एक कॉपी करवा देना। ओके मैडम। हे, कहाँ है तू यार, फोन क्यों नहीं लग रहा तेरा? वो सब जाने दे, ब्रेकिंग न्यूज है, तैयार हो जा। ब्रेकिंग न्यूज है? क्या है वो? तू जानती है ना मैं किस आदमी के चेहरे से पर्दा हटाना चाहती थी? मैं उसके अड्डे पर गई, उसकी पूरी इलीगल एक्टिविटीज को शूट किया, अब देश की जनता उसके मुंह में थूकेगी। हेल्थ मिनिस्टर के अड्डे पे गई है तू? वेरी गुड। तू अकेली गई है क्या? नहीं नहीं, मैंने बताया था ना किरण, जो गाँव से यहाँ घूमने आया है उसी ने मेरी हेल्प की। ओ किरण। हाँ, ओके क्या? अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करो। किरण, ये अच्छा है कि ये अच्छा है? हेलो, दिस वन। ये वाला? ओके। किसके साथ है? उसको शॉपिंग करवा रही हूँ। ओह, तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि शॉपिंग करवाने चली गई। हाँ यार, उसकी स्माइल, उसका स्टाइल और उसके इनोसेंस पे और उसके प्यारे से गुस्से पे फिदा हो गई हूँ। I'm mad for him। पक्का तुझे प्यार हो गया है, तुरंत प्रपोज कर दे। अभी इतनी जल्दी नहीं, उसके लिए टाइम है। ठीक है ठीक है, तू जल्दी ऑफिस आ जा। ठीक है, उसे बस में बिठा के सीधा चैनल पहुंचती हूँ। ओके, ये लो। दो लोग हैं और एक ही टिकट क्यों लेके आई हो? सिर्फ ये जा रहा है, मैं इसे छोड़ने आई हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू। सीट नंबर 21, यस ये रही, बैठो, ये लो टिकट। कॉल करना मत भूलना, फोन नंबर है ना तुम्हारे पास? मेरा फोन हमेशा ऑन ही रहता है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ओह माय गॉड, चैनल के लिए लेट हो रही हूँ, वो लोग वेट कर रहे हैं। जाओ ना। जाओ। बाय बाय। हेलो, पकड़ो फ्रूट्स और पानी। थैंक्स। मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ। हाँ ओके। मैडम उतरो, मैडम बस का टाइम हो गया। उतर रही हूँ, एक मिनट। अपना ख्याल रखना। ठीक है। इसे बोल दूँ क्या? किरण, तुम्हें बैंगलोर में कुछ भी पसंद नहीं आया? अब पसंद तुम? हाँ? मैडम कितना टाइम लोगी? एक मिनट रुको ना। किरण, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ओके, रिसीव कर लेना। हाँ। टेक केयर, बाय। ठीक है।
पसंद आई। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से झूठ का पर्दाफाश हुआ। वो विदेशों में लड़कियों को जॉब दिलाने के नाम पर वैश्यवृत्ति के धंधे में ढकेल दिया करते थे, आज इसका खुलासा हुआ। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री नकली दवाइयां बनाने का धंधा भी करते थे, उसका भी खुलासा हुआ। ये आपके सामने लाइव रिपोर्टिंग है। इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को हमारे रिपोर्टर किरण ने अंजाम दिया है। स्वास्थ्य मंत्री पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे रिपोर्टर किरण ने पुलिस के सामने सारे सबूत पेश कर दिए हैं। अब मंत्री जी का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे रिपोर्टर किरण का सरकार पूरा पूरा साथ दे रही है। सरकार भी चाहती है कि ऐसे करप्ट लोग राजनीति से दूर रहे, और इसी का नतीजा है कि इतने बड़े मंत्री भी आज पुलिस की गिरफ्त में है। नाइस जॉब, कांग्रेचुलेशन, कीप इट अप। कांग्रेस, थैंक यू। चलो चलो मुड़ कर ही आ गया। क्या हुआ सर? अब मोबाइल नहीं दिख रहा है। देखो आसपास ही पड़ा होगा, जल्दी करो सर, लेट हो रहा है। एक मोबाइल संभाल कर नहीं रख सकते, इनके चक्कर में अब बस खड़ी रहेगी। अरे सर टाइम खोटी मत करो, मोबाइल बेंगलोर में छूट गया होगा। मोबाइल खो गया, किरण से बात कैसे करूंगा? अरे यार पहुंच गया, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितनी देर हुई तुझे आके? आधा घंटा हो गया मुझे आके, तू जल्दी नहीं आ सकता क्या? चल चाबी दे इधर। ए क्या बात कर रहा है तू? सुबह 6 बजे उठाऊं मैं? सुबह 6 बजे से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ। फोन उठाएगा तब ना मुझे मालूम पड़ेगा तू कब पहुंचेगा। जब तू खुद फोन नहीं उठा रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है? फोन उठाने का पैसा लगता है क्या? है चोरी हो गया, उठाऊंगा कैसे? क्या बात कर रहा है? अरे हाँ यार, अबे बैग भी घुमा दिया। वो तो पहले चोरी हुआ। अबे बैग भी घुमा दिया, मोबाइल भी घुमा दिया, और कुछ तो नहीं घुमा दिया ना? मुझे डाउट है। और कुछ मतलब? ओ, क्या बोल रहे हो? चल चाय पीते हैं। भाई एक काम कर, तू अपनी कड़क चाय फेंक दे और नई चाय बना दे। मुझे लगता है तुझे बैंगलोर पसंद नहीं आया। बैंगलोर तो नहीं पसंद आया, लेकिन वो पसंद आ गई। वो मतलब? एंकर किरण। क्या यार वो तुझे पसंद कैसे करेगी? तू तो उसका फैन है ना, तेरे जैसे कितने होंगे। अबे कल मैं पूरे दिन उसी के साथ था। ए पागल, तू मुझे उल्लू मत बना। देख मेरे कान में फूल लगाए क्या? ओए अरे मैं सच कह रहा हूँ यार। हाँ मुझे पता है मेरे भाई, तू तो हरिश्चंद्र की औलाद है ना, कुछ भी हो जाए तू सच ही बोलेगा। ओके चल ठीक है, तेरे से माथा चटवा के कोई फायदा नहीं है। एक सिगरेट पी लेता हूँ। पाव खाएगा क्या? नहीं नहीं। तो हवा खा ले। तू भी तो खा ही रहा है ना। किरण की फोटो पेपर में छपी है, क्या लिखा है? स्वास्थ्य मंत्री के चेहरे से मुखौटा हटाने वाली दिलेर टीवी एंकर किरण। अबे एक कैसा पाव है तेरा, लेदर बॉल की तरह लग रहा है। पता है क्या, इसे खा नहीं सकते, मैं बॉलिंग डाल सकते हैं। आई गो। ए क्या है बे? इधर आ। आइला आजकल पाव से भी सर फटता है यार। यहाँ देख क्या है ये, विजय कर्नाटका। नीचे पढ़ना क्या लेटेस्ट दिख रहा है, है? अरे अभी तो तू इसी के बारे में बात कर रहा था ना, जो काम एक साल में नहीं हुआ तूने एक दिन में कर दिया। ये टाइटल क्या है, स्वास्थ्य मंत्री के चेहरे से मुखौटा हटाने वाली? अरे दिलेर टीवी एंकर किरण। स्टिंग ऑपरेशन में उसका साथ देने वाला मैं हूँ। तू है? हाँ क्यों। लिंगा भाई सुन रहे हो ना, इस लड़की के चक्कर में बोल रहा है मैंने इसका साथ दिया। पागल, कल उठ के बोलेगा उसके 2 बच्चे हैं, मैं उनका बाप हूँ, कैसे चलेगा? ए, पागल, चल पेपर ला, उससे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं क्यों तेरे साथ मैं ये बातें शेयर करता हूँ। वो सब ठीक है। अबे तेरी माँ सुबह से पूछ रही थी कि कब आएगा मेरा बेटा, चल उसको मुंह दिखाते हैं। चल। किरण देवी की जय हो। माँ ये शर्ट, ये अंगूठी दोनों उसने दिए। ए, बहुत हंस रहा है तू। देखो माँ ये सुबह से मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं उससे मिला था और उससे मेरी जान पहचान भी हुई, ये भरोसा ही नहीं कर रहा है मुझ पे। लगा इसके कान के नीचे 4 लफा। ये पढ़ो माँ। चैनल के एंकर किरण को सम्मान मिलेगा, सम्मान स्थल पर आप लोग मौजूद रह सकते हैं, डॉक्टर राजकुमार रोड, राजा राजेश्वरी नगर, बैंगलोर। सुनो माँ जब उसका सम्मान हो रहा होगा और मैं वहाँ मौजूद रहूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी माँ। क्या रे
मेरा बेटा कुछ भी बोल रहा है तो तुझे खांसी आ रही है? बहुत अच्छा है तू, बहुत हो गया तेरा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गांव से एक ट्रेन रोज पास होती है ना, उसमें कौन बैठा हमें पता नहीं। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन ये पगला गया रोज उसके पीछे जाता है, टाटा बाय बाय सी यू सुन के आता है। क्या बकवास कर रहा है? मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊं कि वो मुझे जानती है या नहीं। तो चल मेरे साथ बैंगलोर, ये फंक्शन हम अटेंड करेंगे। मेरे पास बैंगलोर जाने के लिए फालतू पैसा नहीं है, तू मेरा खाने पीने का खर्चा उठाएगा तो मैं तेरे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। ए बेटा चल, तू तैयार हो जा, इसके खाने पीने का खर्चा मैं दूंगी, चल तैयार हो जा बैंगलोर की। लेकिन एक बात है सुन ले, अगर वो बोले कि तू कौन है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, समझा? अरे चलना। इतने घटिया नीच, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से मुखौटा हटा। उसने जितने भी लड़कियों के साथ अन्याय किया, हमारा चैनल उनकी मदद करेगा। आज ये जो कुछ भी हो पाया है सिर्फ किरण की वजह से। नमस्कार। श्रीकांत ग्राफिक्स के मालिक मोहन राव जी किरण को आज सम्मानित करेंगे, हम उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। इस सम्मान के बाद हम चाहेंगे किरण हमारे बीच कुछ शब्द कहें। All the best. मैंने क्या हासिल किया ये बोलने से अच्छा, चाहती हूँ कि बहुत कुछ हासिल कर लूँ। मेरी इस कामयाबी में चैनल ने पूरा साथ दिया, मेरे कलीग्स, चैनल के होस्ट्स, मेरे माता पिता, इन सब ने मेरा साथ दिया। लेकिन इन सब से आगे जिसने सबसे ज्यादा साथ दिया वो है मेरा फ्रेंड। मेरे बारे में बोल रही है? ठीक है ठीक है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। थैंक यू। हाँ तुझे उससे मिला था, चलाना। चल 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 चल। अरे यार हाँ ना, मैम एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। मैम मुझे मेरा। हाँ मैडम आपको ऑटोग्राफ चाहिए, मैं पूरे गांव को दिखाऊंगा। ओके। ओह गॉड। आजा आजा आजा। ओके। कंग्रेचुलेशंस। कांग्रेस मैम। थैंक यू। मैडम एक मुझे भी प्लीज। अबे बोल ना जल्दी कुछ। थैंक यू मैम। चुप रहो। एक मुझे भी मैडम। जल्दी कर, टाइम हो गया। थैंक यू मैम। किरण जाओ। कांग्रेचुलेशंस। ऑटोग्राफ चाहिए? किरण मैं वो। तुम्हें क्या चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए? पेपर नहीं है? अच्छा लाओ। वाह यार, आज तो मैं स्टार बन गई, हर कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है। ए, तू ये दिखाने के लिए मुझे लाया था बे? छी, फेंकू कहीं का। याद आए मुझे तेरी मीठी बातें,
छिपाते ये जिंदगी है बस तेरी मान जा दिल जाने हुई क्या खता साजना देना ऐसी सजा जाने जा कैसे जिए तेरे बिना बिना चुपते हैं पल पल के गुना सुना सुना है करवा होना है तुझे में बड़ा क्या यार तू तो सच में स्टार हो गई हर कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता था कितने फैंस हो गए तेरे हीरोइन की रेंज की हो गई तू आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ तूने उसे देखा क्या किसको बता ना मेरी इस सक्सेस का कारण वही है किरण हे वो यहाँ क्यों आया वो तो गांव चला गया था ना नहीं बैंगलोर वापस आया है मेरा फंक्शन अटेंड करने के लिए तू मुझे साफ साफ बता घुमा फिरा के बात मत कर कौन है वो पागल मैंने जिस लड़के के हाथ में ऑटोग्राफ दिया ना हाँ वही लड़का है हाथ में ऑटोग्राफ हे कितनी अच्छी चॉइस है तेरी देखने में भी स्मार्ट है लेकिन ये बता तू उसकी बात का जवाब दे सकती थी ना नहीं यार मैंने उसे 100 बार कॉल किया 100 मैसेज किए एक भी रिप्लाई नहीं दिया तू क्या चाहती है ऐसे सामने आएगा तो बात करने लगूंगी अरे यार उसको भी कोई तकलीफ हो सकती है तकलीफ वगैरह कुछ नहीं होगी गांव जाने के बाद मुझे भूल गया होगा सच तू पागलों की तरह बात मत कर अगर वो तुझे भूल गया होता तो इतनी दूर वो तेरा फंक्शन अटेंड करने नहीं आता उसने जरूर पेपर और टीवी में देखा होगा इसलिए खुशी के मारे चला आया तूने सच में उस बेचारे की बहुत बेइज्जती की वो बहुत दुखी दिख रहा था और तूने ही तो कहा था उसने अपना मोबाइल छोड़कर सब कुछ खो दिया था तो ये बात क्यों भूल गई हो सकता है उसने मोबाइल भी खो दिया हो अगर सच में उसने मोबाइल खो दिया होगा ना तो तू उससे कभी नहीं मिल पाएगी मोबाइल खो दिया ओ शिट ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया यार अब मैं क्या करूं अरे यार हम वापस फंक्शन में चल सकते हैं हाँ हाँ चलो चलो चले, ड्राइवर गाड़ी टर्न करो क्या यार शमशान की तरह लग रहा है बैंगलोर चल अपने गांव चलते हैं अब तू ये मजनू की तरह बैठकर क्या कर लेगा चल अब चलते हैं बस का टाइम होने वाला है माँ का फोन आ रहा है हाँ आंटी कहाँ है तुम लोग हाँ आंटी हम लोग अभी यहीं हैं मिली क्या वो हाँ आंटी मिली मिली हमसे मिली वो क्या बोल रही थी एक मिनट आंटी मैं किरण को फोन देता हूँ उसे ही सब कुछ पूछ लो हाँ, दे, 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 पकड़ हेलो 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 बोलो माँ हेलो किरण वो मिली थी क्या तुझसे मिली थी माँ और मेरे फंक्शन में आने की वजह से वो बहुत खुश भी हुई माँ ऐसा क्या और क्या बोल रही थी वो मेरे साथ गांव आने की जिद कर रही थी माँ और वो तुमसे मिलना भी चाहती है मुझसे मिलना चाहती है हाँ माँ अरे भगवान वो तो बहुत अच्छी लड़की है वो सच में हमारे गांव आएगी हाँ माँ वो बहुत अच्छी लड़की है तेरे आने से पहले सारे गाँव में डिनर पीट देती हूँ हेलो हेलो तुम गांव जाने के बाद सुन रहा है जब भी इसे देखोगे मुझे याद करोगे गया बेटा मेरी यादों के लिए हेलो बेटा हाँ माँ आंसू पोंछ ले बेटा क्या माँ मैंने तुझे पैदा किया है तू हंस रहा है कि रो रहा है मैं ये नहीं समझ पाऊंगी सुन बेटा याद रखना भूलना सब ऊपर वाले के हाथ में है हमारे हाथ में नहीं है जैसे हम किसी गरीब की बिना लालच के मदद कर देते हैं पर उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते बेटा तू दुखी मत हो ये तो सब होता रहता है आज के जमाने में याद रखने से ज्यादा भूलने वाले हैं मेरी बात समझ में आ रही है ना अब टाइम मत वेस्ट कर वापस गांव आ जा माँ लव यू माँ हे लव यू टू चल जल्दी आ जा आ रहा हूँ माँ हमारा बेटा हमारे साथ ही रहेगा
यहीं पे उसके लिए स्टूडियो खोलेंगे। देने वाला तो कहीं भी देता है। रो मत। तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बेटा, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। किरण, ये तो चला गया। नहीं है। शिट, वो गांव जाने के लिए निकला होगा। टाइम क्या हो रहा है? अभी 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बस का टाइम हो गया है। बस स्टैंड चलो, चलो चलो चलो। चल 10 मिनट बाकी है। ब्रदर, मैं हूँ, पहचाना? आना, कम ऑन, टी टी टी, थोड़ी सी टी। ए ब्रदर, आप? हाँ ब्रदर, छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। ब्रदर, मैं अपनी पत्नी और बेटी का पूरा ख्याल रखता हूँ। ये देखो, ये पैसे हैं, ये बिस्किट है। सुबह मैं गारमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ, ये तो ओवर टाइम है। ब्रदर, आपने कहा था कि वापस जब मिलेंगे तो आधा कप चाय साथ पियेंगे, याद है ना ब्रदर? लेकिन फुल टी पिलाऊंगा। ये लीजिए, ये लीजिए, पकड़े पकड़े। ये कौन है ब्रदर? आपका फ्रेंड है? आपको भी ये लीजिए, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। सर, 2 टिकट। यहाँ रुक दो। ए, ये बस कहाँ कहाँ रुकने वाली है कुछ पता नहीं। आज मेरा सारा टाइम टेबल खराब हो गया है। एक बार सेफ्टी के लिए खाली करना पड़ेगा। चल तू जा यार। ए प्लीज चल ना, ये बैंगलोर है, अपना गांव थोड़ी ना है यार, मुझे डर लगता है। कहाँ होगा यार, चल देखते हैं ना। इधर ही कहीं होना चाहिए। सुनना, किसी बस वाले से पूछना, मुड़ू करी की बस कहाँ से जाती है? आगे से मैडम। चल वहाँ पर। मुड़ू करी की बस कहाँ होगी? वहाँ उस तरफ। थैंक यू। मुड़ूकरी के लिए बस यही बस है? हाँ, ये आखिरी बस है मैडम। इस रूट में पैसेंजर्स बहुत कम हैं और इस बस के बाद आपको दूसरी बस सुबह ही मिलेगी। ये बस कब छूटने वाली है? टाइम तो हो गया है मैडम। हाँ चल, कितना टाइम लगेगा? आ रहा हूँ। राइट राइट राइट, चल निकाल निकाल निकाल। और किसी स्टॉप पे रुकेगी क्या? हाँ रुकेगी। आप पीछे ले, पीछे पीछे पीछे, जान दे जान दे। किरण, बस निकल रही है, जल्दी आ। अरे जल्दी आना। देखना, सामने कुत्ते का बच्चा आ गया। क्यों, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो देख,
अरे यार कहां से ये छोटा सा बच्चा आ गया? ए, उस कुत्ते के पिल्लों को साइड में फेंक दे यार। ओ भाई साहब, ये मुड़ुकुरी का पिल्ला नहीं है, बैंगलोर का शेर है पता है क्या? ए, हमारे गांव में तो मैं हाथी चीते को भी उठा के फेंक देता हूँ, ये तो मामूली कुत्ता है। रुक, अभी इतिहास बना रहा है, एक पिल्ले के लिए इतनी बड़ी गाड़ी रोक देगा। अबे ये कौन सा कुत्ता है, पास जाने से पहले ही काटने लगा। मैं तेरे से तब से क्या इंग्लिश में बोल रहा था, चल जाके पीछे बैठ जा। भाई साहब आप जरा इज्जत से बात नहीं कर सकते क्या? मैं तब से तेरे से इज्जत से ही बात कर रहा था, तूने माना क्या मेरी बात को? पागल, पैसेंजर को पता चल जाएगा अपनी भी इज्जत है। अबे ये सच में गांव के कुत्ते से भी ज्यादा डेंजर है। अरे बाप रे, थोड़ी देर में खुद चला जाएगा, फिर हम भी चले जाएंगे। ठीक है। अरे तुम लोगों में इंसानियत नहीं है क्या? चलो ऑटो, मैं देखता हूँ उसे। अबे संभल के काटता है। तो फिर चालू हो गया? तेरा काम टिकट काटना है ना, बस टिकट काट, ज्यादा मत कर, समझा? तू ही है क्या? एक बात बता छोटू, तुझे संभालने वाला कोई नहीं है क्या? अरे ऐसे रो क्यों रहा है, मेरे साथ चलेगा, तेरा ख्याल रखूंगा। मेरी माँ भी तेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। ए, इसे बस में कहाँ लेकर आ रहे हो, नीचे छोड़ दो यार। इसे गांव ले जा रहा हूँ भाई। ए, हमारी बस में कुत्ता नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? जो किसी काम के नहीं है वो तो जा सकते हैं, तो ये मासूम जानवर क्यों नहीं जा सकता? ए, बस में ये आएगा तो सारे पैसेंजर्स मेरी कंप्लेन करेंगे, तब कौन जवाब देगा? मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता यार। नहीं भाई, मैं इसके बिना गांव नहीं जा सकता। तो फिर ठीक है, तुम कोई दूसरी गाड़ी कर लो, उसमें जाओ। ठीक है। ए सुन, चल भाड़ा। अबे कुत्ते को छोड़, बस में आके बैठ जाना यार, गांव चलना है। अभी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुझे पता है ना, माँ ने 200 रुपए दिए थे, बड़ी मुश्किल से एक टिकट खरीद पाया। तुझे रुकना है तो रुक, मैं गांव चला। ठीक है, चलाओ यार, तू भी जा। चलाओ भाई। अबे कहाँ कूद रहा है? अबे रुक रुक रुक, चलो चलो। अबे पागल हो गया क्या तू? अपने गांव की लास्ट बस थी, चलती बस से उतरो दिया, कहाँ तेरी अकल गई, घास चरने पागल कहीं के। अरे बस गई तो गई, चुप रहना। क्या बोला? चुप रहूं? यहाँ से क्या तेरा बाप लेके जाएगा? मैंने तुझसे बोला क्या वो ले जाएंगे? अरे रे भगवान, हे भगवान, जेब में 1 रुपया नहीं है, अब यहाँ से कैसे जाएंगे, कुछ तो बताना यार। निकालिए अंगूठी। जिंदगी में जीने के लिए सोचा था मान मर्यादा का होना बहुत जरूरी है, पैसे का होना जरूरी है। निकाल ले इसे। इसको देखकर किसी टैक्सी वाले को पटा ले, कोई ना कोई मान जाएगा। टैक्सी का जुगाड़ हो गया। क्यों रो रही है यार? चुप हो जा, गलती मेरी है, मुझे कम से कम उसे बात तो करनी चाहिए थी, मैंने उसे मिसबिहेव किया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू उससे फोन पे बात कर, ये ले बात कर। रिंग जा रही है, उठा नहीं रहा, लगता है उठाया। हेलो, ये सब क्या है, इतनी बार फोन किया तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो,
हेलो हेलो, बात करो। मैंने फंक्शन में तुमसे जिस तरह बिहेव किया उससे अपसेट हूँ। तुम मेरा फोन नहीं उठाते थे इसलिए नाराज थी, और कोई बात नहीं थी। मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज तुमसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करना, मिलोगे ना? ए पागल, ये ड्रामा किसी और को सुनाना। क्या बोला? तेरे जैसे कितनी आती हैं और जाती हैं। अपने आप को समझती क्या है तू? और एक बात बताऊं, लड़की समझ के तेरी हेल्प किया, मैंने कभी किसी बात पे तेरे को ना नहीं बोला। ये तुम क्या कह रहे हो? अपना मुंह बंद कर और चुपचाप सुन। तूने जो मेरी मदद की है ना, उससे ज्यादा मैंने तेरी मदद की है। बात समझ में आई? और कान खोल के सुन, इसके आगे दोबारा कभी मुझे फोन मत करना, समझ गई ना? तेरा फोन आज मैंने गलती से उठा लिया। तुम लड़कियों को बस प्ले बॉय चाहिए। ये आखिरी बार है, अगर इसके बाद तूने कभी फोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा। उससे अच्छा तुझसे बचने के लिए काम करता हूँ। मैं अपना फोन नंबर ही बदल देता हूँ, ये सिम कार्ड निकाल के फेंक देता हूँ। सुन रही है ना? कॉल मत करना मुझे, दिमाग खराब कर दिया मेरा। एक बार फिर से ट्राई कर यार, कुछ तो गड़बड़ है। रुक मैं ट्राई करती हूँ। चलो चलो। क्या यार, तेरी लव स्टोरी का तो शुरू होने से पहले ही एंड हो गया। ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। हाँ? मुड़ू करी चलेगी क्या? पर क्यों? तू चलेगी ये बता। चल रही हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं मिला तो वहाँ कैसे मिलेगा? मुड़ू करी बेंगलोर नहीं है, यहाँ अगल बगल वालों को लोग नहीं पहचानते, लेकिन वहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे, वो मुझसे मिलेगा, मेरा दिल कह रहा है।